रानी एक गर्भवती आदरणीय मोदी जी। हेलो मोदी जी, बधाइयां जी, बधाइयां। कांग्रेचुलेशंस। और वह योगी जी नाम ही बदलते रह गए और लोगों ने उन्हें ही बदलने की साजिश रच दी। बहन के लोगों। खैर मोदी जी, क्या कहा था आपने? मोदी के पीएम बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। और बिल्कुल सही कहा था, जब इनकम ही नहीं तो काय बात का टैक्स। दुख इस बात का नहीं है कि योगी जी टूट चुके हैं, गम इस बात का कि कंगना रेनॉल्ट बाजी मार गई यार, मतलब इसका लाइफ सही हो गया क्या? पर खुशी इस बात की है कि चलो कुछ तो 400 पार गया, भले ही थप्पड़ की रफ्तार ही सही। मेरी तो ये फेवरेट है, लेकिन एक ना एक दिन तो उसे फुटना ही था, क्योंकि जादू की दुनिया के लॉजिक याद ही चलते। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। मैं क्लियर कर दूं, आप हंसना मत, मेरी उम्र ही 10 साल है। हम 2014 से पहले गोबर खाते थे। फिर भी मैं कंगना को डिफेंड करना चाहूंगा थप्पड़ के मामले में। ओनली गाइस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि अगर इसको डिफेंड नहीं किया तो जल्लाद की जल्लालित को भी खरोंच नहीं पाएंगे। रैपटेबाजी इज नॉट अ सॉल्यूशन गाइस। मेरा पति ने वो जुआ खेलते है मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है चार पाल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? इसका पति जुआ खेलता है। सीरियस तो छोड़ो, वो मैटर ही नहीं है। पर स्टार भाई सुधर जाओ यार, गाने वाले बना लो, ग्रोनअप्स के नाम पर जुआ बेच रहे हो। यहाँ घरों में कलेश हो रहे हैं यार, दो कौड़े की स्पॉन्सरशिप की पिज़्ज़ा, खुद की शादी संभली नहीं तो सबकी गृहस्थी बर्बाद करके मानोगे? ये उस बेचारे बाजू को एक बात बोल गया, खुद ही भूल गया लग रहा है। अब वक्त आ चुका है रेवोल्यूशन का, अपलोड कर दे भाई। तो उससे पहले तो उससे अच्छा एआई से बना के कोई अपलोड मार देगा, सट्टेबाजी करते रह जाइयो। खैर ये सब तो प्रोफेशनल से ये चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन इसके घर में कोई नहीं क्या चूतड़ तोड़ने वाला? वहाँ पीपल बोल चूड़िया तोड़ दो, ये बंदा भी गजब इमोशनल हो जाता है। गाइस सॉरी, मैं इन सब चीजों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूँ, बट मैंने अभी न्यूज चैनल्स होते हैं तो नहीं भाई, ऐसा नहीं। आपको अपने प्राइवेट जेट का फ्यूल डालना ही पड़ेगा, इसका पिछड़ने में तभी मानेगा यार। क्या जनानियों वाली हरकतें आ रही है। पहले तो मैं 18 साल के बालक से दो शब्द कहना चाहूंगा, इसको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है भाई? तेरे दोस्तों ने तेरे को समझाया नहीं कि ऐसी हरकतें मत किया, अगर अपना ये जड़े उठा के ले जाएंगे वो भी तीन तीन यार। ऐसा डायरेक्ट बुक मत किया करो, जिनका छोटा होता है उनको बुरा लग जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर। पहले बच्चों को डराया जाता था कि बदमाशी मत करो गब्बर आ जाएगा, लेकिन अब ये गब्बर का डिफेक्टिव अपडेटेड वर्जन आ चुका है, बदमाश दल्ला। इसने किडनैपिंग कर ली, जाहिलों वाली धमकियां तो ये देता रहता है, गाड़ी पर एमएलए का स्टीकर लगाकर घूम रहा है, बहन का चप्पल खाएंगे। दलाल इज नॉट एन एमएलए। तो एक्सप्लेनेशन इस चीज की ये थी। तेरे से किसने मांगा रे क्लेरिफिकेशन? हमें पता नहीं क्या तेरे बारे में? तेरे वर्ल्ड पीस नेगोशिएशंस, वाह, खोज खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। अबे तू साढ़े प्रॉपर एनोकोंडा, देख रहे एक्सपोज भी कौन कर रहा है जिस पर खुद 25-30 केस चल रहे हैं। अरे अपने सुलटा ले पहले, देश के लिए बाद में सोच लियो। और तू क्या हाईवे पे पैदा हुआ है? इतना भयंकर एक्सीडेंट तो वही हो सकता है। अरे गुजरात जैसा स्टेट जहाँ मीठा खाने बोलने वाले लोगों ने तेरी शुगरों जैसी हालत कर दी। खैर मना, जिंदा बच गया, अपने स्टेट की गर्मी अपने स्टेट में रख भाई। मैं तो कह रहा हूँ स्टेट छोड़ घर में चला, अपने घर से बाहर निकलती हाथ जोड़कर खड़े हो जाए कर। पता चला तुम हमारी साइड घूमने फिरने आए, फिर तुमने अपनी बदमाशी भी दिखा दी, और अगर यहाँ किसी की साइड की तो उसने तुम्हारी तत्काल परलोक की टिकट कटवा दी। क्या फायदा भाई, बिरादरी का नाम खराब होता है। बेटे कमेंट सेक्शन देख लो अपना एक बार। जेल में अगर मच्छरों को उठक बैठक कराने से फुर्सत मिल गई हो तो कमेंट सेक्शन जाके देख लो, कोई नहीं सुनना चाह रहा तुम्हारे साइड की स्टोरी। और जिनको अभी भी ये कूल लग रहा भाई, एक बार पॉपुलैरिटी और अपीयरेंस को छोड़कर कंटेंट और मैसेज पर ध्यान दो कि सामने वाला दे क्या रहा है। चलो मान ली ये तदैया दे भी रहा, लेकिन बल्ले की लेनी किसको है यार? देखो ऑनलाइन पंगों का सीधा सा हिसाब है, खुद ना जेल पाओ तो करो मत। पर ये बात इस लैंडी सेवज वाले को समझ नहीं आएगी, कल को अगर ये लोगों की इज्जत करना शुरू करते तो कौन देखेगा इसे? तो फिर गलती तो ऑडियंस की है भाई। भाई शरीर बॉडी का घमंड करना तो तू छोड़ दे, कल किसने देखा? क्या पता सारी मसल्स पिछवाड़े के रास्ते बाहर आ जाए। और क्या बोलता था ये, मैं ना ये जीता है वो जीता है। अब जीता तो सुशील कुमार भी था, मेडल्स तो उसके पास भी है, वो क्या कर लिया उसने? वन रॉन्ग कदम एंड रिस्पेक्ट गॉन, अनबीटेबल माइंडसेट। बेटे अगर जेल से निकलने के बाद और दोबारा जेल में जाने से पहले तो थोड़ा सा टाइम मिले ना तो थेरेपिस्ट के पास चले जाइयो। तो भैया कड़की ककड़ी बनाकर खाओ, कुछ नहीं होना उससे। और अगर फिर भी एटीट्यूड रखना है तो मेरी तरह रखो, साल में एक ही वीडियो डालूंगा, जो करना है कर लो, चलो बाय।